International Cream and Onions presents Comedy Circus 2020. अर्ज किया है, जिससे बस, स्कूटर और कार चले उसे टायर कहते हैं, जो नीचे से थोड़ा ऊपर हो उसे हायर कहते हैं, मेरी खूबसूरती पर अगर अजय और शेखर मरे तो उन्हें एडमायरर कहते हैं, और जिसकी बातों से दिमाग की नसें फटें उसे शायर कहते हैं। इससे भी गई गुजरी शायरी लेकर आ रहे हैं हम हमारे शायरी स्पेशल एपिसोड में। महफिल की शुरुआत करने आ रहे हैं हमारी पहली जोड़ी, जिसमें ठरकी शायर रहमान अपनी शायरी से शिकार कर रहे हैं सीरियस शायरा रक्षंदा खान का। प्लीज वेलकम रक्षंदा रहमान। आदाब। एक शेर आप सबके लिए अर्ज है, गौर फरमाइए। मोहब्बतों के आजकल जमाने हैं, शमा एक इनके दो दो परवाने हैं, मगर तुम अकेली नहीं इनकी चाहतों में श्रुति, हजार लड़कियों से इनके दोस्ताने हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, औरतों को देखते ही खुदा याद आ जाता है। वैसे बड़ी देर कर दी आने में मोहतरमा। मैं तो बिल्कुल सही वक्त पे आई हूँ। सही वक्त पे आती तो हमारी बेगम होती। बाद मुद्दत के मुझे आपका दीदार हुआ और बाद मुद्दत के दुआओं पे एतबार हुआ। अच्छा, तो आप भी शायर हैं? भी का क्या मतलब होता है, हम ही शायर हैं? हैं? इनको तो मजमा इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया है। जाहिर सी बात है, जहां शमा होगी परवाने तो खुद ब खुद आ ही जाए। शमाएं हमारे दौर में होती थी, परवाना उससे चिपक कर जलकर खाक हो जाता था। आजकल की शमाओं से परवाना चिपक कर रात गुजारता है और सुबह फरार हो जाता है। अर्ज किया है कि फने वफा भी बदल जाता है दौरे तरक्की में, पहले जल जाते थे अब बेहोश हुआ करते हैं परवाने। वाह। तो आप कैसे बच गए बड़ी मियां? आपको भी अपने जमाने की किसी शमा से चिपक कर लिपट कर खाक हो जाना चाहिए था। भाई लिपटे ही कुछ इस तरह से कि शमाएं बुझ गईं। जिस्म का पुर्जा पुर्जा हिल रहा है और आप? देखिए, जिस्म के पुर्जों के बिखराव पे मत जाइए, वक्त आने पे तमाम इकट्ठा हो जाते हैं और अपना एक लीडर चुन लेते हैं। अपनी हालत पे गौर किया है कभी? एक बार गौर करते करते सो गया तो देखा कि ख्वाब में जिस्म के सारे पुर्जे अलग अलग हैं, दिमाग जो है बादशाह और सारे पुर्जे दरबारी। सबसे पहले दांतों ने अचानक सल्तनत से गायब होने की खबर सुनाई। फिर अदब से हाथ खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं भी अपना बोझ उठा नहीं सकता। फिर एक कमजोर सी आवाज आई कि बादशाह साहब, मुझे हमेशा के लिए छुट्टी चाहिए। बादशाह ने चिल्ला के कहा कि कौन है बदबख्त जो हमारे दरबार में हमारे सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता? तो उसने कहा, हुजूर इस लायक होता तो छुट्टी क्यों मांगता। फिर जो है घबरा के उठे, देखे तो दाहिना पैर काम नहीं कर रहा है, बड़ी मुश्किल से बैलेंस संभाला। वैसे आप बड़ी खामोश खड़ी हैं, आप कुछ नहीं अर्ज करेंगी? जी मैं एक संजीदा शायरा हूँ और सिर्फ संजीदा शायरी करती हूँ। तो संजीदगी से अर्ज करिए। खुशी तो ये है कि चाहने वाले हजारों मिले। भाई वाह वाह। खुशी तो ये है कि चाहने वाले हजारों मिले। वाह। गम ये है कि औरत को कोई समझा ही नहीं कभी। वाह वाह वाह। मोहतरमा, औरत सिर्फ चाहने वाली चीजें समझने वाली नहीं है। मर्दों की फितरत ही कुछ ऐसी है, इसीलिए तो कहा है, सूखे होठों पे हुआ करती है मीठी बातें। भाई वाह। प्यास बुझ जाए तो लहजा बदल जाता है। वाह वाह। भाई शेखर साहब, अर्ज किया है कि दीगर तालाबों की तलाश जारी होती है, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी होती है भाई। आसमां से उतारे गए,
जिंदगी देके मारे गए। वाह। शादियां उनकी छे छे हुई जहां से हम कवारे गए। शादियां चाहे जितनी हुई दिल के मारे थे मारे गए, और माल जब तक था तब तक रहे, और माल खाली तो सारे गए। शर्म नहीं आती औरतों को माल कहते हैं आप? औरतों के बारे में ये राय है आपकी? देखिए मोहतरमा, औरतों के बारे में बड़ी अच्छी राय है। औरत अगर घर में है तो घर की जीनत है, और स्टेज पे है तो अल्लाह की नेमत है। हर हाल में भाई औरत को हम इज्जत की नजर से देखते हैं, बादल के टुकड़ों की तरह मंडराते हैं, और मनचाही जमीन देख के बरस जाते हैं। आप जैसे चिपकू लोगों के बारे में मैंने सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। देखिए मोहतरमा, ख्वाहिशात मजबूर करती हैं तो आप जैसी हसीनाओं की दहलीज पे चले आते हैं, वरना क्या है। अच्छा, हसीनाओं की दहलीज पे नहीं बल्कि मस्जिद की दहलीज पे जाके माथा रगड़ने की उम्र है आपकी? और आपकी स्टेज पे आने की नहीं बल्कि शादी करके घर बसाने की उम्र है? और मुबारक हो भाई, रिश्ता आपके सामने खड़ा है, है? कब आ रही है घर पे? मैं और आपके घर ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं। हमारे ख्वाबों में आने से आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपकी सैर हो जाएगी, हमारा भी दिल बहल जाएगा। वाह 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 वाह। बड़े मियाँ, खंडरों की सैर करने का मुझे कोई शौक नहीं। देखिए मोहतरमा, बाहरी दीवारें देख के खंडर का अंदाजा ना लगाएं। हैं? अंदर बाकायदा महल तामीर है। फिलहाल तो आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। पहले पकड़ने की रसम तो अदा करने दीजिए। क्या करें आप? देखिए, देखने दिखाने का सिलसिला मुलतवी करते हैं, आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। श्रुति, वेरी गुड। एक तो एम्पायर साहब, आपकी बारी है लाइन मारने की, तो शुरू हो जाइए। अजय, मुशायरा लगा दिया आपने, जो शाम है शाम को चार चांद लगा दिया आप दोनों ने मिलकर। आई थिंक चार चांद पे दस चांद। शेखर, कहीं कोई रुकावट, कहीं कोई गिरावट, और कहीं नहीं आई, सिर्फ अमावट ही अमावट थी भाई। कमाल कमाल कमाल, कमाल का जमाल और कमाल का धमाल, दस नंबर। थैंक यू रक्षंदा, थैंक यू रहमान। तेरा बेरा गर्क हो जाए यार, तेरा सत्यानाश जाए मनुष, तेरा भगवान करे तू मिठाई खाए, तुझे अचार का स्वाद आए मनुष। बदल दफाओ यार। किसे गाड़ियां देकर आ रहे थे आप? ओहो, चाइना की अर्चना पूरण सिंह। बताइए किसे गालियां देकर आ रहे थे? अरे एक मनुष आदमी मिला यार बाहर, वो बीवी के साथ खड़ा था अपनी। आदमी ने मुझे कहा, कैसा है? मैंने कहा सेकंड हैंड यार, बदल दे। नाराज हो गया यार, मुझे गाली देने लगा। वो आपसे आपके बारे में पूछा था कि आप कैसे हैं, बीवी के बारे में नहीं। तो मुझे क्या पता, बदतमीजी करने लगा मुझे। मैंने कहा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा सत्यानाश जाए मनुष, खुदा करे तू ससुराल वालों से दहेज में फोर व्हीलर मांगे, वो तुझे दो मोटरसाइकिल दे दे। अरे रहने दीजिए ना शकील भाई, दुनिया के सामने भाई कह रही, तू दिल में कुछ और है, जबान पे कुछ और है, मैं सब समझ रहा हूँ मैं। ऐसी लड़कियां होती है जो ना खुद अपनी ड्रेस में पटाखे लगाती है और कहती है मुझ पे हमला हो गया, मुझ पे हमला हो गया। आप बताइए, आप आज यहाँ अचानक कैसे आ गए? तू कमाल की औरत है यार, खुद फोन करके घर बुलाती है, घर पहुंचता हूँ वहाँ भी यही पूछती है आप अचानक कैसे आ गए। मैंने आपको कब बुलाया? अरे तूने मुझे फोन किया था, मैं आ गया। मैंने आपको तब फोन किया जब आपने मुझे 14 मिस कॉल दिए। तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जाए, मैंने तो सिर्फ मिस्ड कॉल दिए थे, फोन तो तूने किया। मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ मिस्ड कॉल, मेरा क्या है? बड़े अजीब है। तूने फोन क्यों किया? चल बुला बुला यार, मैं बड़ा जरूरी काम छोड़ के आया, बोल क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अच्छा, क्या जरूरी काम छोड़ कर आए? तो मजे से सो रहा था घर पे, तेरे चक्कर में आया हूँ। यार टाइम नहीं मेरे पास, चल अब सुला दे मुझे, चल बुला लिया, सुला दे मुझे, मुझे जहर देके मार दे, लेकिन सुला दे, यहीं सोऊंगा मैं तेरी गोद में सोऊंगा, चल सुला दे अकरम की माँ। अकरम कौन है? वही जो मेरे जहन में तो है, बस तू मना कर रही है। जाइए यहाँ से, दफा होइए। अच्छा फिर आऊंगा, प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा, जाइए जाइए। इसका एक बड़ा फायदा है यार इस कपड़े का, ऐसे एक चलना जरा इधर से उधर, दो कदम चलना, ताली बजाओ यार तब चलेगी ये ताली। ओहो, ये विपुल भाई ने ना
सेटिंग वालों का खर्चा बचा दिया। यही साफ करेगी, अब यही डायलॉग भी बोलेगी, यही साफ भी करेगी। ये पता तेरी नीयत साफ होनी हो, स्टेज बड़ा साफ रखती है तू यार। चल मैं जाता हूँ। ओके बाबा यार। आ रहे हैं बेवड़े शायर कांबली, जिनकी क्लास लेने आ रही हैं उनकी बीवी राजबीर। तो आइए देखते हैं क्या हुआ उनका हाल। प्लीज वेलकम विनोद एंड राजबीर। लोग कहते हैं मैं शराबी, लोग कहते हैं। तूने कहा था अब मैं नहीं पीऊंगा, फिर क्यों पीकर आया है आज भी? मेरी लाइफ इंश्योरेंस है दारू, जीने के साथ भी और जीने के बाद भी। तेरा तो हो गया दिमाग खराब। ठीक करने के लिए तो पी रहा हूँ शराब। चापा पीली। अब कैसा महसूस कर रहे हो मिस्टर? पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ सिस्टर। सिस्टर? अकल के अंदर मैं सिस्टर नहीं, बीवी हूँ तेरी। इतनी गंदी बीवी, फूट गई किस्मत मेरी। अबे शराबी भक्त बेवड़े, क्या तू एक दिन पिए बिना नहीं रह सकता? डार्लिंग, हाँ? बिना पिए तेरी जैसी बीवी को सह नहीं सकता। अरे तेरे से अच्छे तो जानवर हैं जो बिन पिए ही जीते। गलत फहमी में मत रहना, आजकल चीते भी पीते हैं। तेरा कहने का मतलब है कि मेरा बाप चीता है? चीता नहीं, अखन भेड़ है, फुकड़ की पीता है सारा। जैसे बाप का धीरे बोल, यही बाहर खड़ा है वो। मोहल्ले वाले बोल रहे थे कि किसी नाले में पड़ा है वो। पीने में एकदम कच्चा है, कच्चा। पीने में कच्चे हैं जी। हाँ, कुछ अच्छा करने से दाग लगे तो दाग अच्छे हैं। और मेरे बाप ने सुन लिया ना तो मसल देगा तुझे चुटकी में। क्या तेरा बाप अंबानी है जो कर लेगा दुनिया मुट्ठी में? शायद तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। अरे आज हम भी इसको नहीं जानते हैं और लोग उन्हें इनका बाप भी नहीं मानते हैं। बात सुन, तेरी इन्हीं हरकतों से तंग आकर मेरे बाप ने था एक दिन तुझे पीटा। एग्जैक्टली, लेकिन sin theta plus cos theta is equal to tan theta। सच्ची वैसे शादी वाले दिन तू कितना गोरा था। हाँ। और आज देखो दिखता है कितना काला। पड़ोसन कह दिए इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल। क्या बताऊं, क्या दिन थे यार, जब करते थे हम दोनों एक दूसरे को प्यार। एक पैक बना, तीन मिलके बैठेंगे, सो जाएंगे और पिएंगे मिलके तीन। तीन यार? यार ये तीसरा कौन है? श्रुति। वो पहले दो कौन? वो दोनों बेवड़े हैं ना, ये जड़े जाओ शेखर। शेखर को तो मैं जानती हूँ, ये मोया जडेजा कौन है? अरे जड़िया को मैं जानती है तू, आखिर तेरी है औकात, श्रुति को पूछ, क्योंकि ये है अंदर की बात। श्रुति इधर आ। आ जा तू श्रुति, अंदर की बात है। Well done. तो ऐसे लगे आपको ये बेवड़े शायर? बड़ी अजीब सी बात है विनोद के बारे में कि जब भी ये पी के आते हैं ज्यादा संभले हुए नजर आते हैं। राजवीर, आपका भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की थी। आई रियली रियली एंजॉयड योर परफॉर्मेंस, इट वाज वेरी नाइस। गिव हिम 9 पॉइंट्स। अजय, राजवीर जी आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आपकी परफॉर्मेंस के लिए तो एक, लेकिन दूसरा इस बेवड़े को अपने साथ रखने के लिए, और इसको हमेशा इसका परफॉर्मेंस बेहतर होता चला जा रहा है और आपके साथ रह के ये और बेहतर होता जा रहा है। आज बहुत मज़ा आया देख के। नंबर देने में मैं कंजूसी नहीं करूँगा, शेखर जी ने तो 9 ही दिए हैं, लेकिन मैं अर्ज किया है कि पतली कमर अगर दुख जाए तो थोड़ा टेक देते हैं, और मुशायरे में पहलवान पहुंच जाए तो उसे सेक देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ शायरा निगार के मुशायरे में, जब दारा सिंह उर्फ राजा पहुंच गए वहां उसे कुश्ती का मैच समझकर।
आइए देखते हैं कि क्या हाल हुआ उस मुशायरे का। प्लीज वेलकम निगार एंड राजा। आदाब। जी आदाब, आदाब। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास शेरो शायरी का मुकाबला लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें शिरकत करने बॉलीवुड के कई मशहूर हस्तियां आने वाली हैं। जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्हें मेनू मार सुटिया ओहो, जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्हें मेनू मार सुटिया ओहो। भाई ये तो कोई भी उठा सकता है, प्लास्टिक का है ना। हाँ भाई, वो मुकाबले का प्रोग्राम यही है क्या? जी फिर ठीक है, सामने वाले पहलवान को जल्दी से बुलाओ, उसकी छाती चीर के मैं उसका खून पी जाऊंगा। लेकिन जनाब आप है कौन? मैं हूँ दारा सिंह रुस्तम ए हिंद, हमें तो देश का बच्चा बच्चा जानता है भाई। लेकिन हम तो नहीं जानते। हाँ तो तुम अभी बच्ची कहाँ हो? यहाँ कुश्ती का नहीं शेरों का मुकाबला है। इसे हाथों से लड़ा जाता है या फिर डंडे से? अब जुबान से मियां, जुबान से। भाई कोड़ भाई, बहुत गंदी गंदी बातें करी हैं। हमें अपना काम करने दे वरना हमसे गुस्ताखी हो जाएगी। यह डायलॉग जरा बिंदास होकर बोल, तू राखी हो जाएगी। माशाल्लाह, आप तो शेर पे शेर सुनाए जाते हैं। भाई अगर ऐसे शेर सुनाने फिर तो हमें बहुत सारे आते हैं भाई। वाह, तो हम मुकाबला शुरू करें? करो भाई करो। लीजिए पहला शेर अर्ज करती हूँ, जो शमाए महफिल के लिए है। शमाए महफिल हो तुम, तुम्हें जलाने में मजा आता है। क्या बात है भाई। फिर भी हर शख्स यहाँ तुम पे ही मरा जाता है। क्या बात है। दिल ये कहता है कि तुम ऐसी ही खिली खिली सी रहो। कभी कभी मेरा दिल में एक्चुअली ऐसा ही ख्याल आता है। देखिए ये अचानक आप में से अमिताभ जी कहाँ से आ गए? भाई वो मैं फीलिंग के हिसाब से मैं आवाज बदल लेता हूँ। श्रुति। अरे वाह, तो क्या आपके दिल में भी श्रुति का ख्याल आता है? इस उम्र में सिर्फ दिल में ही आता है। तुम आगे बढ़ो। खुशी हो तो भी हम आंखों को नम रखते हैं। क्या बात है। खुशी हो तो भी हम आंखों को नम रखते हैं, हम अपने दिल में न जाने कितने गम रखते हैं। अच्छा। अब बस जिंदगी से यही सवाल पूछना है कि कितने प्रतिशत भारतीय 10 का दम रखते हैं। वेरी गुड, टू गुड, टू गुड, बहुत अच्छा। सत्यानाश, मेरे शेर में क्या जुमला जोड़ा है, मैंने भी किस पत्थर से अपना माथा फोड़ा है। वाह भी वाह, ये शेर अच्छा था। ये शेर नहीं था, शेर अब सुनिए। सुनाइए भाई। ये शेर विनोद कामली की नजर है। कहो भाई कहो, सुनो। आप आ जाते हैं तो रंगीन हो जाता है समा। अच्छा। आप आ जाते हैं तो रंगीन हो जाता है समा, आपके प्यार का दरिया कभी भी ना थमा। वाह वाह वाह। मेरी फरमाइश कि एक बार मुझसे भी ये कहते कि मैं कभी घबराता नहीं, अंधेरे से डरता हूं मैं माँ। ओ तेरी। वाह, एक ही लाइन में मुझे माँ बना दी। ऐसी क्रिएटिविटी तो बस आमिर खान ही दिखा सकता है। इसमें क्या क्रिएटिविटी की बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं, एक बार लाइन दो माँ बना देंगे। देखिए आप बदतमीजी मत कीजिए वरना वरना हम शेखर जी से शिकायत कर लेंगे। वो तो मेरे से ज्यादा भी क्रिएटिव हैं, वो तो बिना लाइन दिए भी माँ बना देते हैं। मैं अगला शेर शेखर जी के लिए अर्ज करना चाहूंगी। कहो भाई कहो। कहो भाई। अब शेखर की जुदाई सही ना जाए। अच्छा। अब शेखर की जुदाई सही ना जाए, अब प्यार की रुसवाई सही ना जाए, अब दिल से बस यही आवाज आती है। हाय हो को हाय हो को हाय हाय हो को हाय हो को हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
लाइन पर तो आपकी ये लाइन बिल्कुल फिट बैठी। अच्छा चलिए इसी खुशी में मैं जडेजा साहब के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूं। तो भी आपकी किस्मत खुल गई। दूर होता है तो आंखों से इशारा देता है। ओहो दूर होता है तो आंखों से इशारा देता है, गुजरता पास से है हाथ छुआ देता है। अच्छा तुझे ही देखकर ये यकीन हो बैठा सना एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। आप जैसे लोगों के आने से मुशायरे की वाट लग जाती है। जानी हम वही रात बिता देते हैं जहाँ खाट लग जाती है। अपने आपको कहाँ का तुर्रम मानता है? सारा शहर मुझे लोइन के नाम से जानता है। देखो मुझसे पंगे लिया तो जान से हाथ धो जाएगा। तुम चली जाओ पुष्पा, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा रे। एक कान के नीचे दूंगी तो होश ठिकाने लग जाएंगे। देख के देख बदला लेने मेरे करण अर्जुन आएंगे। इनके अंदर तो पूरा का पूरा बॉलीवुड जागा है। खबरदार आज तक हमारी जेल से कोई नहीं भागा है। तो अब्बा इन्हें कैसा लगा ये रोग? इसका पता लगाएंगे अगले एपिसोड में हम लोग। अल्लाह माफ करे मैं आपसे हार मानती हूँ। अरे मकैम्बो खुश हुआ, तुम रहने दो। श्रुति तुम आ जाओ। श्रुति आ जाओ, मेरी जान बचाओ। कहाँ जा रही हो? जाओ छोड़ दे मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। You know, you have shown that you are the biggest discovery of all times. कहीं कोई गलती नहीं, इतनी superb timing. It would be an insult if I gave you 10 because you deserve millions of points for this. Millions. Thank you so much. Thank you. 10 points. Thank you, Shekhar. Thank you so much. Ajay. लोग कहते हैं कॉमेडी में टाइमिंग की जरूरत होती है और मुशायरे में भी जो शायरी होती है उसकी भी टाइमिंग की जरूरत होती है। आई थिंक आपने दोनों चीज़ों को एक साथ जब जोड़ दिया तो कहीं पे भी एक ऐसा एक मोमेंट भी नहीं था जहां मैं हंसता हुआ ना दिखा हुआ हूं आपको। अनफॉर्चुनेटली इस मशीन में 10 से आगे ये बढ़ता नहीं है और ये कहूँगा कि बारी है अब हमारी अगली जोड़ी की। आ रहा हूं यार आ रहा हूं। मैंने आपको कब बुलाया? तूने ही तो कहा शायरी है आइएगा। आती है आपको शायरी? अरे बहुत आती है, कल तो 3 बार आई थी। क्या मतलब? हाँ सुनाइए शायरी। सुन क्या कच्चे काम किए? चल दोबारा सुनाता हूँ। सुन वार से सुनना। सुन ये क्या बोल रहे हैं आप? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे फर्स्ट टाइम तुझे हिंदुस्तान में साइलेंट शायरी सुना रहा हूं। मुझे सुनाई देने वाली शायरी सुनिए। तो सुन, मैंने पूछा ऑटो वाले से, भाई साहब अंधेरी जाओगे? तो उसने मुझे दी 4 गाली। जाओ? मैंने पूछा ऑटो वाले से, भाई साहब अंधेरी जाओगे? तो उसने मुझे दी 4 गाली। मैंने कहा नहीं जाना तो मत जा, गाली क्यों देता मनुष्य। ये शायरी थी? अबे यार वो मुझे गाली दे रहा, तुझे शायरी की पड़ी है? हमारे यहाँ शायरी ऐसी होती है, तुम सुनाओ तुम्हारी शायरी। सुनिए। सुनाइए। उनकी गली से गुजरे हम पर वो नहीं दिखे। एड्रेस पक्का करके गई थी ना। उनकी गली से गुजरे हम पर वो नहीं दिखे। तो जाती क्यों है मनुष्य रात को? दिन में जाएगा खाना वाना खा के, दोपहर को जाएगा निकल लिया घर, मिल जाएगा वो। आपको शायरी सुनिए। अच्छा सुना। उनकी गली से गुजरे हम पर वो नहीं दिखे। इस साइड देखा था?
मैं बोलू शायरी, आपको बोलिए। अच्छा सुन, सुनाइए। तेरे को तो गली समझती नहीं, तेरी सुना दे। उनकी गली से गुजरे हम पर वो नहीं दिखे। ये है कौन मनुष्य? चार बार गुजर चुकी हो तुम गली से, वो दिखता ही नहीं है यार। तुम है कौन ये? खुदा कसम कहता हूँ, एक बार मेरी गली से गुजर जा या मुझे गली में बुला ले, ऐसे घूमूंगा ऐसे घूमूंगा पक्की सड़क कच्ची हो जाएगी। अगर नहीं हुई ना तो मैं खुर्रम का बाप नहीं। अब ये खुर्रम कौन है? अकरम का छोटा भाई। तू तो अकरम के लिए हानि कर रही, तू उसके लिए हा कर तो मैं खुर्रम की पेशी करूं? मैंने जब से शादी की बात की तुमने फैमिली प्लानिंग का साइन भी लगा लिया। वाह 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 वाह, एक ही हेडलाइट क्यों पहना हुआ है तुमने? प्लीज जाइए यहाँ से। ओ पीतल सोने के भाव बिक रहा है। आ रहे हैं नेता कुलदीप और सेक्रेटरी रोशनी अपनी रोमांस और देशभक्ति की शायरी लेकर। प्लीज वेलकम रोशनी एंड कुलदीप। राहुल गांधी ने कहा कि शादी नहीं करेंगे, जयललिता ने भी समर्थन हटाया, मल्लिका शेरावत पहुंची पटना, लालू और पासवान भी गठजोड़ के लिए पहुंच गए। क्या खबर है? गुड इवनिंग सर। देखिए हम आचरण में चाहे पश्चिमी सभ्यता को पीछे छोड़ चुके हों, लेकिन बात हम राष्ट्रभाषा में ही करते हैं। ओह सॉरी, शुभ शाम सर। शाम हो गई तो फिर अब काम वाम क्या करें, अब तो जाम जाम करें। हाँ तो आप हैं कौन? आपकी पर्सनल सेक्रेटरी। अरे आप तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हैं। पहले क्या करती थी आप? इससे पहले मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। आने वाली पीढ़ी का भविष्य बिगाड़ रही थी। आपके लिए भी एक पैक बना दूं? कैसे लेती हैं? सर जैसे आप लेते हैं। हम तो खुदा के लिए पीते हैं दोस्तों, अब वो सोडा लेता है पानी हमें नहीं मालूम। ये लो। अरे वाह सर, आप तो शायरी भी करते हैं। अरे यार जब तुम जैसी हसीना सामने खड़ी हो और दारू अंदर जाती है तो शेर अपने आप बाहर आ जाते हैं। तो और पीजिए ना सर, मेरा मतलब है शायरी कीजिए ना सर। अच्छा तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं सुना देता हूँ। इरशाद। ये देखो ये पुराना हो गया इरशाद, अब कुछ नया रखो, माइकल पीटर रॉबर्ट कुछ करो। सर पीटर चलेगा? हाँ चलेगा। पीटर पीटर। हाँ तो तेरे इश्क पे कुर्बान, तेरे हुस्न पे कुर्बान, जय जवान जय किसान। अरे सर आप तो रोमांटिक शायरी में भी अपनी नेतागिरी नहीं भूलते हैं। हम बच्चे पैदा करने में नेतागिरी नहीं भूलते हैं। खैर हमारा छोड़ो, अब तुम भी जाम लो और कुछ सुनाओ। मैं ट्राई करती हूँ। पीटर पीटर। मेरे पास आके मुझे यूं बहला। ये सुना रही हो कह रही हो? मेरे पास आके मुझे यूं बहला। क्या बात? ओपन योर माउथ, केजी को पढ़ाती थी क्या? नहीं सर, सेकंड स्टैंडर्ड को। अच्छा अब आपकी बारी। पीटर पीटर। तो अर्ज किया है कि एक पंजाबन, पूरी पंजाबन, वाह, दिल पटाका दिल चुरा के ले गई, वाह, सोना 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 सोना। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे सोडा दो। बस बस। अच्छा फिर हमने दो लाइनें और लिखी हैं, गौर फरमाइएगा सब लोग, तुम कितनी प्यारी हो। तुम कितनी प्यारी हो कि पत्थर को छू लो तो मोम कर दो। देखो शेर बाहर आ रहा है। कि तुम कितनी प्यारी हो कि पत्थर को भी छू लो तो मोम कर दो, और हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। सर आप नेता जरूर है लेकिन आपके ख्याल है इतने अच्छे। हाँ मेरी माँ भी यही कहती थी, बच्चे दो ही अच्छे। तुम्हारी माँ का ख्याल और मेरा ख्याल बहुत मिलता है। लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से जितनी चढ़ी थी सब उतर गई। सॉरी सर, सर
उस हसीना को देख लीजिए, वापस चढ़ जाएगी। माशाल्लाह, क्या हुस्न है, क्या जवानी है। पीटर, पीटर, अर्ज किया है कि तुम भी 18 साल की जवान लड़की, मैं भी 18 साल का जवान लड़का, तो चलो फिर वोट देने। आ जाइए जी। तो शेखर बताइए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। कुलदीप इज ऑलवेज वेरी गुड एंड रोशनी इज एफवेसेंट एंड ग्लोइंग एंड वेरी नाइस, बट आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर। लाइक टू गिव यू 8 पॉइंट। थैंक यू अजय। शायरी तो बढ़िया थी, शायरी में कोई कमी नहीं थी आपकी, लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगा कि आज उतनी हंसी मेरे को अंदर से नहीं आई। मार्क्स 8 पॉइंट। थैंक यू रोशनी, थैंक यू कुलदीप। बारी है अब एक्स्ट्रा डोज ऑफ एक्स्ट्रा इनिंग्स की। सिखाने आ रहे हैं ओरिजिनल शायरी का अंदाज एक महान शायर वीआईपी, इस तुक्का मार शायर प्रिंस पाजी को। सो प्लीज वेलकम वीआईपी एंड प्रिंस। ओ गुरु करते हैं काम शुरू, क्योंकि आज है शायरी का राउंड। अखबार में हमने दे रखा है इश्तिहार कि जो भी हमें शायरी सिखाएगा 500 रुपया इनाम पाएगा, वो भी किश्तों में। पाप से धरती फटी, अधम से आसमान आसमान। आवाज तो आ रही है गुरु, लेकिन तुम इंसान हो या शैतान। आधा वर्ष है, आधा वर्ष मिया। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी हम उनको, तो कभी उन्हीं को देखते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हुजूर, समंदर में जिस तरह सुसु करने से सुनामी नहीं। चुप करो। शायरी सीखनी हो तो शायरी में बात करो, वरना जाओ उसी समंदर में डूब के मरो। ठीक है हुजूर। तो अर्ज किया है कि जूही परमार को कहते हैं कुमकुम। क्या बात है, जूही परमार को कहते हैं कुमकुम। शायर साहब अस्सलाम वालेकुम। जूही परमार के पास नहीं है कोई काम। जूही परमार के पास नहीं है कोई काम, शागिर्द मेरे वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, क्या बात है गुरु। भाई दुआ सलाम तो हो गई, अब कुछ शायरी भी सिखाओ। सिखा देंगे भाई, पैसे क्या दोगे पहले ये तो बताओ। अजी छेड़ दो गर्मा गर्म शायरी का टशन, किराया भी दे देंगे तुम्हारी माँ की। हाँ? कसम। तुम हर रोज मेरे ख्वाबों में आ जाना, आके मुझे यूं ही सता जाना। आगे तुनक तुनक तुम, तुनक तुनक तुम, तुनक तुनक तुम, ताना ना। जन्मों का बंधन है हमारा तुम्हारा, छड़े आधे टट्टू ते टप चढ़ दी, बोलो तारारारा। इसी तरह से तुम शायरी मारते रहो, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। खुदा कसम इतने अंडे और टमाटर पड़ेंगे कि शाम को सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। शायर साहब, तुम्हारी बातों से आ रही है बेइज्जती की बू। शायरी सीखता है या कान के नीचे दू। वक्त बेवक्त किस्मत को आजमाया करो। क्या बात है? कभी बुरे हालात में भी मुस्कुराया करो। छा गया गुरु, तू छा गया। घर तुम्हें है मेरे नाक का ख्याल, तो शायर साहब कम से कम महीने में एक बार तो नहाया करो। निचड़ गंदे शायर, बदबू की बात मत कर, छोड़ी जो मैंने एक बार, छोड़ देगा अपना घर। अपने आप को इतने अच्छे शायर समझते हो तो कुछ सुनाओ। पहले लाइन दो। ठीक है, आईने को देखा तो आईने ने कह डाला,
राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तुम्हारी शायरियां हो रही हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग। सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। कमाल के शायर है। अब आप भी अगर शायरी में हिस्सा ले तो बिल्कुल। फूल जब भी तोड़ो, वाह वाह बोलो, फूल जब भी तोड़ो तो कांटों से बच के रहना। वाह क्या बात है, क्या बात है। आप वाह वाह मत बोलो, आप कंप्लीट करो। तो फूल जब भी तोड़ो, फूल के फूल जब भी तोड़ो तो कांटों से बचकर रहना, और श्रुति को जब भी छेड़ो चांटों से बचकर रहना। वाह 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 वाह। बताइए शेखर कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? आप दोनों ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, जो नसीर भाई का कैरेक्टर आपने प्ले किया है, और दूसरा कैरेक्टर के बारे में ये ज़्यादा बताएंगे है कौन है? वो आपको ज़्यादा मालूम होगा। बट टुगेदर वंस अगेन यू हैव क्रिएटेड मैजिक, सो ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। और अजय आपको कैसी लगी? एक्चुअली मैं ये सब पहन के बैठा था, मेरा भी मन हो रहा है ये शायरी सुन के, एक आध शायरी मैं भी सुनूं। इरशाद इरशाद इरशाद। आपकी मुस्कान पे, आपकी मुस्कान ने हमें बेहोश किया, होश में आने ही लगे थे कि आप फिर मुस्कुरा दी। अरे वाह। पीटर पीटर गुरु बहुत सुटिया। ओ गुरु तुसी छा गए, छा गए तुसी माय फ्रेंड। ये कैसे करते हैं आप, मुझे ये सिखा दीजिए एक बार, मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ ये। ओ गुरु कैसे होता है? बड़ी टाइट सी शर्ट पहनी हुई है, अंदर बनियान भी टाइट है, तो हाथ ऊपर चला जाता है माय फ्रेंड। टू गुड आई थिंक बहुत मजा आया, और आप दोनों, आपसे मैं मार्क्स नहीं तो देने पड़ते, लेकिन आपसे सिर्फ हाथ ही जोड़ सकता हूँ। थैंक यू। जोरदार तालियां वीआईपी और फ्रेंड्स के लिए। थैंक यू वीआईपी। मैं जाते यानूला पगला दीवाना, ओ रब्बा इतनी सी बात न जाना, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उते ओ मर दी है। दवा करो यार, ऐसे ही गा रहा हूँ। गंदी नजर से देखा मत करो मुझे, बुरा लगता है मुझे। ओ हो, बड़े सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे तो। ओ विनोद कामली जी बैठे हैं यहाँ पे, स्टैंड अप के गजनी। गजनी हाँ, इनमें और गजनी में एक सेम बात है, 15 मिनट बाद वो भी सब भूल जाता था, ये भी सब भूल जाते हैं। हाँ लेकिन उनकी जो पार्टनर है ना राजबीर, वो अपना एक बूढ़े का कैरेक्टर करती है, बड़ी मजेदार है। वो असल में बूढ़ी है, कैरेक्टर तो वो जवान का करती है। और ये कौन है, हरभजन जी? नहीं ये प्रिंस है। ओ यार ये गड्ढे में गिरा था तब तो बड़ा छोटा था। अरे ये वो वाला दाढ़ी मुझ निकला इसकी, यार कमाल है यार, अजीब आदमी है ये। ये वो वाला प्रिंस नहीं है? तो प्रिंस भी अनेक है क्या यहाँ पे? ये स्टैंड अप कॉमिक है भाई, लोगों को फोन करके तंग करते हैं। ओ और ये बूढ़ा आदमी कौन है? MF हुसैन साहब के गंदे डुप्लीकेट। इस तरह के लोग होते हैं। एक दिन मुझे मिल गया थर्मास लेके, मैंने कहा भाई क्या है ये, क्या है तेरे पास? कह रहा है थर्मास है, गर्म चीज़ रखो गर्म रहती, ठंडी रखो ठंडी रहती। मैंने कहा तो फिलहाल इसमें क्या है? कहने लगा 2 कप चाय है, 3 कप आइसक्रीम है। ओहो दुबे जी भी है यहाँ पे, बड़ा सुस्त आदमी है। रात को कहीं सो रहा था, सुबह दुकानदार आया, बोला अबे उठ तो उठ, दुकान खोलनी है। कह रहा दफा कर बाजू वाली खोल ले। और रोशनी जी भी है? जी हाँ उनकी पार्टनर। हाँ इस तरह की औरतें होती हैं, सरहद पे जंग लड़ने के काम आती है, एक तरफ इनको दिखा दो दुश्मन को, दूसरी तरफ जीतते रहो। दुश्मन यहाँ देखते रहता है बस, ओ कमाल की औरत है यार, ओ इसको कहाँ से ले आया, इसको तो मैं घर ले जाऊंगा, यहाँ बर्बाद हो गए मर गए सब लोग। और मैं कैसा काम कर रही हूँ? तुम तो बड़ी जाहिल औरत हो, तुम्हारी जैसी औरतें होती हैं शादी में तैयार होकर जाती हैं। कहने लगे कि तुम क्यों आई भाई तैयार होके? कि नहीं पता नहीं दुल्हन नहीं आई तो मैं ही हूँ। इतना बड़ा ड्रेस पहन के घूमती है, अरे रिसेशन चल रहा है मनुष, इतने कपड़े में राखी सावंत के 72 ड्रेस बन जाएंगे। चलो मेरी बात मानो, निकाह कर लेते हैं, पंडित के पास चलते हैं, चलो ये तो होते रहेगा सब। चलो चल मेरी बात मान, वकार की माँ चल तो। अब ये वकार कौन है? देख पहले अकरम आएगा, फिर खुर्रम आएगा, फिर मैं पीछे नहीं हटने वाला वकार को भी ले आऊंगा। तू बस हाँ कह दे, मैं पीछे इंतजार कर रहा हूँ, तू आ जाना ठीक है।
भाई आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बड़े नेक बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको बहुत बहुत बरकत दे और बहुत जोरदार ताली हो जाए इन सबके लिए भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू श्रुति। आज के हमारे इस एपिसोड को ले जाते हैं एक अलग लेवल पर। आ रही है ताल से ताल मिलाने एक खास मेहमान। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम इंडियन आइडल 4 की विनर सौरभी, जो लेकर आ रही हैं खास हमारे लिए अपना फर्स्ट एल्बम मेहरबान। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू सौरभी। कॉमेडी सर्कस 2020 में आकर परफॉर्म करने के लिए हम सब की तरफ से बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। थैंक यू सर।